एक समय की बात है, प्रज्ञा अपनी माँ सरला के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहा करती थी, जो कि बेहद गरीब थे। पर शायद प्रज्ञा की किस्मत में कुछ और ही लिखा था, इसलिए उसकी शादी के लिए अभी नाम के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का रिश्ता आया, जिससे सरला उसकी शादी करवा देती है। शादी के बाद प्रज्ञा अभी के साथ मुंबई आ चुकी थी, जहाँ उसे पता चला कि अभी के घर में अभी के साथ साथ उसकी बहन आलिया भी रहती थी और वो अभी जॉब किया करती थी। हालांकि प्रज्ञा एक भाभी और एक पत्नी होने की सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी, लेकिन आलिया की अपनी भाभी के साथ कुछ बनती नहीं थी, इसलिए अक्सर दोनों के बीच खटपट होती रहती थी। इसी तरह दोनों के बीच लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि एक दिन आलिया ने अपने भाई भाभी को ये तक कह दिया कि वो इस घर को छोड़कर चले जाए। हालांकि अभी ने अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और इसलिए अभी को अपनी पत्नी के साथ ये घर छोड़कर जाना पड़ा। पर उन्होंने मुंबई में ही एक और फ्लैट रेंट पर ले लिया था। इस किराए के घर में रहते हुए भी अभी ने अपने बिजनेस का खूब ख्याल रखा था, लेकिन आलिया से अलग होने के बाद अब प्रज्ञा घर में अकेली पड़ गई थी। उसका दिन बहुत मुश्किल से बीतता था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पूरे दिन घर में करे तो क्या करे। इसी तरह के ढेर सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते थे। तभी एक दिन प्रज्ञा बाजार से कुछ सब्जी लेने जाती है, जहां उसे एक ऐसा ढाबा देखने को मिलता है जहां लोगों की लंबी कतार थी। उन लोगों को देखकर प्रज्ञा भी वहां पहुंचती है और देखती है कि ढाबे वाले की खूब कमाई हो रही थी। तभी उसे आइडिया आता है कि अगर वो भी अपना ढाबा खोल ले तो इससे उसका बोरिंग डे बोरिंग नहीं होगा और इससे उसकी कमाई भी हो जाएगी। इसलिए वो उसी रात अभी से बात करती है और कहती है कि क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें, क्योंकि मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। कम से कम अगर ढाबा होगा तो मैं उसमें व्यस्त तो रहूँगी। अभी प्रज्ञा को ढाबा खोलने की इजाज़त दे देता है और कुछ दिनों बाद ही प्रज्ञा किराए के घर में ही अपना एक ढाबा खोल लेती है, जिसका नाम रखा जाता है प्रज्ञा की रसोई। जितना शानदार इस ढाबे का नाम था, उतना ही शानदार प्रज्ञा खाना भी बनाती थी, जिसे हर तरह का स्वादिष्ट खाना बनाने आता था। डोसा सांभर से लेकर कचौड़ी, समोसे, छोले भटूरे और ऐसे ही न जाने कितने स्वादिष्ट व्यंजन प्रज्ञा चुटकियों में बना देती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे प्रज्ञा अपनी इस रसोई के साथ फेमस होती जा रही थी। लोग उसके हाथों का खाना खाकर कहा करते थे कि प्रज्ञा के हाथ में तो जादू है, इसलिए कई लोग खुशी से प्रज्ञा को कुछ पैसे ज़्यादा भी दे दिया करते थे। प्रज्ञा अपने इस काम से बहुत खुश थी, जिसे अब अपनी इस रसोई में बड़ी बड़ी फूड कंपनी के तरफ से भी ऑर्डर मिलने शुरू हो गए थे, जिससे अब प्रज्ञा को भी लोग उसके पति की तरह बिजनेस वुमेन कहने लगे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रज्ञा की रसोई की ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।